हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी। हमने दीपावली के लिए एक दिन पहले बाजार जाकर दिवाली की खरीदारी की, जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और मिट्टी के दीपक थे। यहाँ पर जो बाज़ार सस्ता है ना, बिल्कुल हाट की तरह सस्ता है। ज़मीन पर बहुत दूर से यहाँ पर सामान बेचने के लिए लोग बाग आते हैं, और दिवाली से कई दिन पहले यहाँ ये बाज़ार सज जाता है। हम तो सिर्फ दिवाली से पहले ही गए थे, क्योंकि बच्चे हमारे तभी आते हैं और बच्चों के साथ ही ना बाज़ार जाने में मज़े आते हैं। तो यहाँ पर मैं दीपक देख रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक बड़ा दीपक लिया तेल के लिए। हमारे यहाँ तेल का दीपक जलता है पूरी रात दिवाली वाले दिन, और घी के 5 दीपक जलते हैं। तो इसलिए मैंने घी के 5 दीपक लिए और एक बड़ा दीपक लिया। तो ये भैया पैक कर रहे हैं। और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी ना, मन कर रहा था कि सारी ले लो। भैया ये वाले दे देना 5। कितने के? 10 का 1 है। ये थोड़ा मेरे को अजीब सा लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये जो बाज़ार है ना, व्यस्ततम बाज़ार है हमारे अलवर का, घंटाघर। होप सर्कस और चूड़ी मार्केट में भी बहुत भीड़ लगती है, यहाँ बारो मास भीड़ रहती है, लेकिन दिवाली वाले दिन ना विशेष रूप से भीड़ रहती है। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि आपको खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमने दीपक ले लिए हैं, ये मैंने 5 दीपक लिए हैं जो हम दिवाली वाले दिन घी के 5 दीपक जलाएंगे। दीपक खरीदने के बाद, भैया को पैसे देने के बाद, हम ना आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमको सामने दिखता है मेरा फेवरेट भल्ला। ये गोयल चाट भंडार का भल्ला है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी दिवाली का टाइम होता है ना, हम लोग यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, तो मैं इसका भल्ला ज़रूर खाती हूँ। कुछ खाऊं चाहे ना खाऊं, लेकिन ये भल्ला मैं ज़रूर इन्जॉय करती हूँ। मेरे साथ है मेरे दोनों बेटे, मेरे जेठ जी का बेटा और मेरे हस्बैंड, और हम सब मिलकर इस भल्ले को इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत गर्म है तो मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर खाऊँगी। तो भल्ला खाने के बाद ना, हम दोबारा से बाजार देखने निकल जाते हैं जो हमें सामान खरीदना होता है। और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, मान लीजिए कभी आग लग गई, व्यस्ततम बाजार है, तो ये एक यहाँ पर खड़ी रहती है और निरीक्षण करती रहती है। देखिए, बिल्कुल भी जगह नहीं है इसको निकलने के लिए, और कितनी स्लो मोशन में जा रही है। जगह जगह ना दीपक की दुकानें और लक्ष्मी जी, गणेश जी की दुकानें लगी हुई थी, तो मैं वापस से दीपक देखने लग गई। ये पहले वाले दीपक से भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैं दीपक ले चुकी थी तो इसलिए मैंने नहीं लिए, सिर्फ देखे ही, क्योंकि देखना तो बनता ही है ना। आप खरीदो चाहे नहीं खरीदो, लेकिन हर चीज़ देखनी तो चाहिए। फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं और इनकी निगाह पड़ जाती है इनकी फेवरेट कचौड़ी पर। इनको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत खास तरह की कचौड़ी होती है। सिंपल कचौड़ी होती है उड़द दाल की स्टफिंग की, और इसके साथ ना कोई सब्जी नहीं मिलती, कोई चटनी नहीं मिलती, इसके साथ मिलती है हरी मिर्चें। हाँ, इसे हरी मिर्चों के साथ खाते हैं, और हरी मिर्चें थोड़ी कम तीखी होती हैं और इसमें थोड़ी सी मीठी सौंठ मिली होती है। तो ये खट्टी और चटपटी सी मिर्चें कचौड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, और हम सभी ने इसको इंजॉय किया था। कचौड़ियाँ खाने के बाद हम फिर से आगे की ओर बढ़ जाते हैं, और अब देखते हैं ना हम अपने पाना। पाना ना, जो लक्ष्मी जी, गणेश जी की जब हम पूजा करते हैं दीवार पर चिपका कर, उसको पाना बोलते हैं हमारे यहाँ पर। और हमने यहाँ पर इसको देखे तो हमें ना बैठे वाले लक्ष्मी जी, गणेश जी चाहिए होते हैं। सब बोलते हैं कि बैठे हुए लक्ष्मी जी, गणेश जी लेने चाहिए, खड़े वाले नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ हमने लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माता जी की तीनों तस्वीरें इसमें एक साथ थी, तो हमें ये पसंद आ गए, तो यहाँ मैंने 2 ले लिए और मैं वीडियो बनाने लग गई। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी, तब मैंने ध्यान दिया कि जिससे मैंने फोल्ड करवाया था पानी, वो दोनों बच्चे हंस रहे थे, और मुझे उनकी साइड तो ध्यान ही नहीं गया था जब मैं वीडियो शूट कर रही थी। सिर्फ मुझे पैकिंग में ही ध्यान था, और जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, मुझे बहुत हंसी आ रही थी उनको देख के। बहुत इनोसेंट से बच्चे थे ये, बड़े प्यारे से। पैसे ले लो।
यहाँ से ना पाना खरीदने के बाद जब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं तो हमें दिख जाती हैं ये माला, जो ये अपनी दादी की फ़ोटो पर पहनाएंगे, क्योंकि जो लोग दिवंगत हो जाते हैं उनके लिए हर साल ये माला फ़ोटो पे पहनाई जाती हैं और हर साल बदली जाती हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ पसंद कर रही थी और फाइनली मुझे एक माला पसंद आ गई, तो हमने ये ले ली, क्योंकि हमारी जो दादी जी की फ़ोटो है ना वो थोड़ी छोटी है तो हमें छोटी माला ही चाहिए थी। ये सब अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए यहाँ पर दीपावली के दिन में बैठे हुए हैं। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही होगी, अभी बहुत भीड़ है इस समय, जहाँ तक नज़र देखोगे ना वहाँ तक बाजार है। इसके बाद हम यहाँ पर जा रहे हैं, ये अलवर का होप सर्कस है, हृदय स्थल बोलते हैं इसे। यहाँ पर ऊपर चढ़कर ना शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज वॉयसराय की बेटी मिस होप के नाम पर इसका नाम पड़ा होप सर्कस। और यहाँ पर है ना महमूद का एक गाना है, खाली डिब्बा खाली बोतल, उसकी शूटिंग भी हो चुकी है। तो ये हम मंदिर की ओर जा रहे हैं और यहाँ घंटी हो रही है, आरती का टाइम है इस टाइम, और इस टाइम देख सकते हैं इसका जो नज़ारा है सारे मार्केट का साफ दिखाई देता है यदि आप खड़े हो जाएं तो। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं। यहाँ से उतरने के बाद हम वापस मार्केट में चलने लगते हैं पैदल पैदल, और यहाँ हमें दिख जाते हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी। और ये मेरी ना एक पैड दुकान है जिससे मैं हमेशा लक्ष्मी जी गणेश जी खरीदती हूँ, और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। वैसे तो बहुत छोटी बड़ी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं लेकिन मैं हमेशा इसी से खरीदती हूँ, और मुझे पसंद आ चुके थे एक, और ये मैंने देखे थे कि कितने सुंदर लग रहे ना, तो मैंने यहाँ पर इसका थोड़ा मोल भाव भी किया क्योंकि ये बहुत कॉस्टली थे। ₹300 के बोले थे और आखिरकार ₹250 में मान ही गए, तो यहाँ मैंने इसको पैक करने के लिए बोल दिया। ₹250 के लिए हैं ये। सेम है? हाँ सेम ही है। एक मिनट खोल के तो दिखा दो, कहीं वैसा तो नहीं है टेढ़ा वगैरह। बाद में जब हमने पूछा कि इतना कॉस्टली क्यों है तो उन्होंने बताया कि ये इको फ्रेंडली हैं, यदि आप इसे पानी में गलाएंगे ना तो ये पानी में गल जाएंगे, कच्ची मिट्टी के तैयार हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए नहीं हैं। नाम बोल दो, आपका नाम क्या है? अब हम लोग ना सब बहुत थक चुके थे क्योंकि 5:30 बजे के बाज़ार में आए हुए थे और कंटिन्यूस चल रहे थे, और अब बज रहे हैं 8:30। तो अब थोड़ा सा बैठने का डिसाइड किया और देखने लगे कि कहाँ बैठना है, तो बच्चे ना यहाँ पर बोलने लगे कि यहाँ बैठते हैं और यहाँ कुछ खाते हैं, तो अब बस हम इंजॉय करने वाले थे खाना पीना। और ये आज का आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताना, यदि पसंद आया ना तो वो भी कॉमेंट में बताना जिससे मैं और भी ब्लॉग बनाऊँगी। स्पेशल कुर्सी देख के मजा लग ही रहा था, पहले वीडियो बनाना था। ये क्या है? पीछे हो जाओ, मालिक मकान तो ये है। अब ये बताओ पैसे किसके अंडर में? गवर्नमेंट उसके अंडर है, गवर्नमेंट का मालिक है वो। प्रयास चल रहा है ना, सिर्फ प्लान नहीं हो गया, पढ़ने आई थी वो। आई होगी मुझे मजा उसमें नहीं है। अरे मुझे ये मंगाना था चिली मशरूम, मैंने मशरूम कभी नहीं खाया। सिर्फ नहीं बना तो बोल क्या? अरे एक तो छोटे पटाखे देखने में बचते हैं।